शादी कर ली तो
हुआ ना था। अरे सुनिए तो, वो पहले से ही शादीशुदा है। बड़े भोले, किसी लड़की ने नजर देख क्या लिया, समझते हैं मुझे प्यार हो गया। और सुनाइए, और सुनाइए प्रीतम बाबू। नहीं नहीं, मैं होश में नहीं आऊंगा, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अरे भगवान ने चाहा तो एक नए दिन आपकी शादी जरूर हो जाएगी। छोटा बात करिए प्रीतम बाबू। अगर तुम कहते तो मैं एक बार फिर जिंदा रहने की कोशिश करके देख लेता, लेकिन लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है। मुझे तो लगता है तुम्हारा ही दुनिया में आया था, तुम्हारा ही चला जाऊंगा। गप्पे थोड़ा मारा था, मैं तो प्रीतम बाबू की कविता सुन रहा था। अबे यार मेरी काम बात करना, पहले अर्जेंट काम कर, जल्दी से जाओ और मेरे जूते लेकर जाओ। हाँ जल्दी जाओ, अभी जाता हूँ, बैठे मैं आता हूँ। हाँ तो कभी कालीदास जी आप तक कौन सी चाहिए तो कहाँ आया तू मुझे?
पता नहीं कहां से आया, किसका आया, क्यों आया, हो सकता है कोई मर मुरा गया हो, तो दाल भेज दिया उधर धूप फाक करके चले आए हो। अरे पहले पढ़ो उसमें क्या लिखा है, मर गया होगा मनहूस बहुत से इस बेरिंग से। अरे मैं तो खून करके बता सकता हूँ उसका मजबूत क्या है। पढ़ो तो ठीक है, तो पढ़ लेता हूँ। ऋषि किशोरी, किशोरी उसने क्या हुआ, देखा उसमें लिखा है ऋषि किशोरी कमिंग फ्रॉम कलकत्ता ऑन 3rd June बाय पंजाब पे। इसलिए कह रहा था इंग्लैंड चली जाए, कुछ दिन क्या करेंगी, पढ़ करके चली जाए। उसमें लिखा हुआ है, नाजो ने लिखा है कि किशोरी आ रही है 3 June को लखनऊ पंजाब मेल से। उसे ऋषि किशोरी आ रही है 3 June को। अरे वाह, 3 June तो आज ही है। मैं तो गाड़ी कब से स्टेशन आ गई होगी, तू हमारा इंतजार कर रही होगी, हमारे घर का पता नहीं तुम्हारा, तू कैसे आएगी। ऐसा है भाई, लेट भी तो हो सकती है ना। ये ठीक है, मैं भी मना करवाती हूँ। डमरू सिंह, डमरू सिंह जी जी आया हूँ जी। क्या जी, अरे एक बार इंक्वायरी कर फोन लगा, और पता कर पंजाब में कहीं एक तो नहीं। हाँ अभी लगाता हूँ। क्या साहब लगाता हूँ, ये किशोरी तो आजू की पड़ी है, तुम नहीं जानते, वो मेरी सहेली की लड़की है, और जोर लेकर बुलवाया है, उसकी माँ तो भेजने को राजी नहीं। यहाँ क्यों आ रही है? ऐसे ही मैंने बुलवाया है, बहुत टाइम हो गया था उससे मिले हुए, सोचा यहाँ आएगी तो मैं उससे मिलती हूँगी, तो उसकी आपको हवा भी बदल जाएगी। उसकी आपको हवा भी बदल जाएगी, हमारा घर नवा हिल स्टेशन हो गया कि सबकी आपको हवा ही बदलता है। मरा तो कौन था, इधर मर गया, तुझे दिखता नहीं पूरे घर में कितनी धूल
पहले बाकी सारे काम बात करते हैं। बात
ये बताओ माँ आप बैठिए मैं बुला के लाता हूँ माँ माँ देखो कौन आया है किशोर बेटा नमस्ते माँ जीते रहो बेटा जीते रहो अरे माँ आप लोगों की बहुत याद आ रही इसलिए मुझे एक महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ लेकिन माँ आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं रहती क्या होती है डॉक्टर को दिखाया था माँ तो उसने कहा कि मुझे महीना दो महीना आराम करना चाहिए कह रहा था वो लंबी सी अंग्रेजी बीमारी का नाम ले रहा था कह रहा था वो हो जाएगी अरे वो अंग्रेजी बीमारी हो डॉक्टर को तुझे क्यों और माँ वो ये भी कह रहा था कि मुझे दूध घी मक्खन फ्रूट ड्राई फ्रूट लिक्विड फ्रूट यहाँ तक कि देखो ना माँ बातों में ध्यान ही नहीं रहा सामान बाहर टैक्सी कर डब्लू तो है ना डब्लू सिंह ओ डब्लू सिंह आया सरकार अरे किशोर बाबू नमस्ते 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 आपकी तो पूरे दो साल में आए सही है छुट्टी मिले तब ना जी जी खैर तुम बताओ कैसे बस वैसे ही का वैसा हूँ किशोर बाबू एक बात है पहले तो 50 में चल जाता था का अब तो 80 लग गए बात समझ आ रही है किशोरी 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 किश
खाते का डंगू भिजवा देना। क्या डंगू खाते का चाय भिजवा देना। और सुनो, वो एक हफ्ते के अखबार भी भिजा दो। आजकल अंग्रेजी दवाई आधी कीमत है। जिस समय हमारे घर में कोई बीमार नहीं था, अंग्रेजी दवाई की आधी कीमत कर रहे हैं। जब पूरा का पूरा कुंबा बीमार होगा तो दवाई पूरी कीमत पे मिलेगी। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। मुझे उसका मंजूर है। मुझे मंजूर नहीं।
जाएगी। अरे उनसे तो कोई भी मार गए, वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। ठंडी आहे बढ़ते शीशे के सामने खड़े होकर के घंटों बाद हमारा करते हैं। अब आप बताइए ना, ऐसे में मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? जल्दी भी क्या करते हैं, सोचने की तो मौका तो मिलना चाहिए ना। अब इसको सोचने की क्या बात है? Thank you.
झूठा है। आप तो शादी करने लगे हैं। जब कोई किसी से प्यार करने लगता है तो दिल बड़ा खुशहाल हो जाता है। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। भाई जब ये शेर तुम्हारा है नहीं अरे कुछ अपना सुनाते तो बात होगी। चले किशोरी चलो क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है
कि जब तक सलमान की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। और ऐसे मौके पर आरती को बहुत सोच समझ करके कदम रखना चाहिए।
सो तो है भाई। हां इसी अगर उसने खत्म कहीं घर का घर पड़ गया तो ले लेंगे। मेरे पास कुछ औकात तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं कह रहे तो कुछ खास बात नहीं है, थोड़ा सा दहेज के बारे में बात करना चाह रहा था। अरे बहुत ज्यादा नहीं, ये बस 10,00,000 रुपए रकम और एक वो होंडा सिटी। अरे भाई मैंने कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी ना मांग लिया आपसे, एक छोटी सी गाड़ी होंडा सिटी मांगी। पर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? सुन रहा भाई तो कह रहा हूँ, इससे पहले तो तुमने कभी मोटर और 10,00,000 की बात नहीं करी। इससे पहले आपने मुझसे कभी पूछा? तो बहुत जाती है भाई, जाती है जाती नहीं तो और क्या। आप तुम दोस्त होकर दोस्त का गला घोटोगे तो दुश्मनों से क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे मैंने तो सोचा तुम अपने वचन पर कायम रहोगे। मैं अपने वचन पर आज भी कायम मैं सब समझता हूँ प्रखर, वचन देकर से दिखाने का इरादा नहीं रहा तो बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। भाई अगर तुम्हारे नहीं समझ में आता तो समझ। लेकिन प्रखर पुराने जमाने में लोग अपने वचन के लिए मर जाया करते थे। अरे वो सब राजपूत हुआ करते थे, हम सरकारी पूत है। इसका मतलब ये हुआ तुम मेरी भतीजे का रिश्ता चुका रहे हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। खैर देखो मेजर, तुम यहाँ पर लड़की का रिश्ता लेकर के आए हो या आगे निकाल करके हमसे लड़ने के लिए? अरे मुझे तो पहले ही पता था तुम जैसे जोरू के गुलाम से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ए मेजर अपने अल्फाज वापस ले लो, ए मर्दाना वकार बदल कर रहे हो। यू सिविलियन, अरे बड़े ऑफिसर बने फिरते हो है? अगर कत्ल इंसानी जुर्म न होता तो मैं तुम्हारा कत्ल कर देता। अगर मैंने अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी मेजर एसपी और हर बार परेशान नहीं। खातिर मैं अपनी जिंदगी तबाह कर लूं, बाप की इज्जत की खातिर अपनी खुशी वगैरह अपने हाथों से घोट लूं।
करके बाप बाप की इतनी बेइज्जती करोगे। तुम निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। Thank you.
इस घर को छोड़कर। अब अपनी मनहूस शक्ल कभी नहीं, कभी नहीं। शोर, जाने से पहले मेरा आशीर्वाद दे। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया? हाँ किया था, वो किसी दूसरे मरीज को देखने गए। हाय राम, तो यहाँ कब आएंगे?
जैसे वो आ जाएंगे। बात करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बुरा तो मानूंगा। बोलो,
पर किशोर भैया किशोरी से शादी नहीं करना चाहते। तो उसकी शादी मुझसे कर दीजिए, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। हाँ लेकिन तूने किशोरी से पूछा है? जी हाँ, वो रजामंद है। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ भैया। ये कैसे हो सकता है, बड़ा भाई तुम्हारा बैठा है और छोटे की शादी हुई है? अरे तुम चुप रहो जी, जब बड़ा शादी नहीं करता तो क्या छोटे की भी शादी नहीं होगी? बेटा मैं तैयार हूँ, लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सही नहीं पिताजी। अच्छा मैं रहता मत हूँ। अरे डबरो से किशोरी को भेज जल्दी से। अच्छा रविकांत शुक्ला शिबू।
जगदम्बा भूमिका में अर्चना शुक्ला, मेजर हनुमान प्रसाद हरीश बडोला, किशोरी श्रुति गुप्ता और किशोर की भूमिका में अमरीश बॉबी। इस प्रस्तुति में जिन्होंने सहयोग दिया उनके नाम इस प्रकार हैं: आशा धस्माना, अजय शर्मा, हीरामणि जुगरान, मनोज वर्मा, राजेश मिश्रा, डॉक्टर मालविका त्रिवेदी, ममता प्रवीण, एरिक वीरेंद्र सिंह, गोपाल सिन्हा और प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन मनीष सैनी, संगीत संचालन सुमित श्रीवास्तव, रूप सज्जा शहीद और इस नाटक के पोखरमल और प्रस्तुति के निर्देशक संगम बहुगुणा।